फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। ये देखिए, हमने पनीर को कट कर लिया है और इसका एक प्रोसेस करते हैं। ये हमने दो बड़े साइज के टमाटर को कट कर लिया है। लहसुन की 10 कलियाँ हम डालेंगे इसमें, कुछ अदरक के टुकड़े और 10 हरी मिर्च, 15 काजू और एक बड़ी चम्मच मगज बीज डाल देंगे, एक बड़ी चम्मच जीरा धनिया पाउडर और एक आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम बटर और पनीर फ्राई कर लेंगे। ये जो तेल फ्राई किए थे पनीर, उसमें जो तेल बचा था उसी में थोड़ा सा हींग और जीरा डाल दिए और कटी हुई थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालकर। देखिए, प्याज हमारा गल गया है, ब्राउन हो गया। अब मैं मसाला डालेंगे इसमें, मसाला को डालेंगे। मसाले को हमने भून लिया, इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले को हमने पहले ही डाल के पीस लिया था। ये हमने 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला पक गया है और इसमें हमें पानी डालेंगे। यहाँ पे टेस्ट बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चीनी डालेंगे, शक्कर, और अब हम पनीर का जूस डालेंगे इसमें। ऊपर से हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे, पनीर से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बटर पनीर मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसे आप पराठा या रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बाय, टेक केयर।